हेलो गाइस, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल आरजी स्टूडेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले बीएसटीसी सेकंड काउंसलिंग। दोस्तों कब तक स्टार्ट होगी और बीएसटीसी फर्स्ट काउंसलिंग की जो अंतिम डेट थी दोस्तों 13 है, वो आज खत्म हो चुकी है। यानी काउंसलिंग डेट थी वो 13 खत्म हो चुकी है दोस्तों। और इसमें बीएसटीसी फर्स्ट काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट लेटर 14 को जारी हो चुका है दोस्तों। ये कैसे देख रहे हैं संपूर्ण न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल आरजी स्टडी पर देखिए दोस्तों। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ लाल बटन दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी बीएसटीसी यानी थर्ड काउंसलिंग या कोई भी काउंसलिंग संबंधित संपूर्ण न्यूज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों पास के देख सकते हैं। दोस्तों की साइट पर चल के देखते हैं कि ये बीएसटीसी फर्स्ट काउंसलिंग अलॉटमेंट कॉलेज आप कैसे देख सकते हैं। जैसे दोस्तों क्रोम में आप यानी प्री DELT एग्जामिनेशन 2021 क्लिक करेंगे तो ये साइट खुलेगी दोस्तों। इस साइट पर खुलते ही आपको क्लिक करना है और क्लिक करते दोस्तों आप देख सकते हो कि ऐसा पेज खुलेगा, पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा यह प्री DELT एग्जामिनेशन 2021। इसके अंदर देख सकते हो दोस्तों आपको नीचे यानी दिया जाएगा यहाँ पे यहाँ दिया हुआ दोस्तों अध्यापकों शिक्षा प्रवेश संस्थानों के लिए। इसके अंदर देखिए जैसे परफॉर्मेंस कैलेंडर दिया दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट या रिजल्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपके अंदर ये खुलेगा जिसके अंदर दोस्तों यहाँ दिया हुआ है यानी दिया दोस्तों गेट अलॉटमेंट रिजल्ट बाय एनी टू डिटेल्स। यानी नीचे दी गई इसमें से कोई आपको दो डिटेल भरनी है, दो डिटेल भरने के आपको यानी कॉलेज अलॉटमेंट है दोस्तों वो देख सकते हो। देख यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों रोल नंबर यानी अपने रोल नंबर भरने या अप्लीकेशन नंबर भरने या डेट ऑफ बर्थ, यानी तीनों में से कोई भी चीज़ दोस्तों दो भरोगे तो यानी गेट अलॉटमेंट रिजल्ट जिस इस पर क्लिक करोगे तो आपका यानी जो भी कॉलेज है वो खुल जाएगी दोस्तों। जिस पर क्लिक करते ही यानी आपका रिजल्ट है वो आप दोस्तों सामने आ जाएगा। तो ऐसे हमारी वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जैसे भी नोटिफिकेशन आते हैं सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल आरजी स्टडी दे दीजिए। दोस्तों हम बता देते हैं कि बीएसटी सेकंड काउंसलिंग से संबंधित न्यूज़। दोस्तों बीएसटी सेकंड काउंसलिंग देख सकते हो कि जैसे कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है दोस्तों, इसके अंदर यानी 16 या 17 तारीख को दोस्तों या सेकेंड लिस्ट के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हो कि पीछे चलोगे तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अंदर दोस्तों लिखा होगा कि बीएसटीसी सेकंड काउंसलिंग, जैसे इसी सेकंड काउंसलिंग पर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करते ही दोस्तों आपका फर्स्ट यानी जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन हुआ सर उसके हिसाब से दूसरे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट हुई दोस्तों उससे यानी सेकेंड काउंसलिंग में अलॉटमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होगी। जैसे थर्ड काउंसलिंग होगी नहीं होगी ये दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। तो हम बता देते हैं कि यानी दोबारे से आपको दोस्तों इसमें कॉलेज भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन करने जो पहले आपने कॉलेज भर दिया यानी और राजस्थान कर दिया तो उसी के आधार पर आपको दोस्तों यहाँ पे कॉलेज मिलेगी। जैसे ही आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करना है दोस्तों यानी अपना नाम और लॉगिन आईडी करके दूसरी यानी सेकंड काउंसलिंग पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। अगर आप लेना चाहते हो तो फर्स्ट काउंसलिंग कराइए, वो भी दोस्तों सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हो। सेकंड काउंसलिंग से दोस्तों हमका क्या क्या यानी प्रक्रिया रहने वाली संपूर्ण न्यूज़ आपको कल यानी 2 या 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।